वेलकम बैक टू यस पी वर्ल्ड, और मैं आपके लिए आज लेके आ रही हूँ, और ये लोड हो रहा है और ये लेके आ गई मैं 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल 2024। ये नासिक में इस साल हो रहा है, महाराष्ट्र में, और दिस इज़ द माय पिक्चर विथ द पोस्टर ऑफ नेशनल यूथ फेस्टिवल 2024। और ये फेस्टिवल महाराष्ट्र के नासिक सिटी में हो रहा है। ये इंट्रांस की तरफ से बहुत ही सुंदर तरीके से उन लोगों ने गार्डनिंग का थोड़ा लुक देने का ट्राई किया है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और हम लोग देखते हैं कि प्लांट्स देख के फ्रेश भी लगता है। सो दिस इज़ द एंट्रांस ऑफ द यूथ फेस्टिवल। और ये जो है कुछ आसाम के लोग हैं जो कि यहाँ पे यूथ फेस्टिवल के लिए आए हैं। ये नेशनल यूथ फेस्टिवल का शेड्यूल, यहाँ पे इवेंट का शेड्यूल दिया हुआ है। ये कुछ पोस्टर्स है जो वहाँ पे लगाए हुए है, गए हुए अलग अलग हॉल्स के बाहर। और ये जो रॉक बैंड और कुछ शाम की जो है का, ये अगेन फ्लावर्स जो है वो है कुछ कंटेनर्स पे, उन्होंने आर्ट वर्क किया है वो भी यहाँ पे मैंने दिखा है ये वीडियो में। ये रॉक बैंड का जो मैंने दिखाया था आपको फर्स्ट डे, और जो डेली वहाँ पे शाम को प्रोग्राम होने वाला है वहाँ पे है। ये नेशनल यूथ फेस्टिवल के जो पोस्टर्स है वो अच्छी तरीके से इन लोगों ने डेकोर और बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए हुए हैं। एंड दिस इज़ द फोक डांस का जो कुछ भी यहाँ पे प्रोग्राम था, ये हॉल में था, वो डेली जो होने वाला था फ्रॉम 4 o'clock ऑनवर्ड्स। सो ये है, और ये मेरा भांजा है, कुछ एक बंदा था वहाँ पे आसाम का, उसके साथ डांस करते हुए। और ये है कि यूथ के लिए जो भी रोज़गार या फिर जो की स्कीम है, ये माय भारत ऐप पे आपको देख सकते हैं। ये वेस्ट बंगाल के भैया है, उन्होंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि क्या वहाँ की कलाएँ कौन सी है, वो कैसे बनाते हैं। ये कुछ मेटल की शो पीसेस या फिर मोतियाँ है जो हम लोग घर में, या फिर कुछ ज्वेलरीज भी है। ये जो NCS का स्टॉल था, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग स्टेट से जो लोग आए थे उनके स्टॉल्स थे यहाँ पे। और ये आप देख सकते हो कि टेक्सटाइल्स का स्टॉल था। देन ये यहाँ पे है कुछ बांबू की चीज़ें है, ये कुछ आसाम का कॉस्ट्यूम है उनकी जो कुछ भी है। देन दिस इज द गेम फॉर दी किड्स। बहुत अलग अलग स्टेट से जो लोग आए थे, उनकी लैंग्वेजेस और उनका जो कुछ भी वहाँ का कौशल है, ये यहाँ पे ये पूरे स्टॉल्स पे हम लोगों ने देखा कि अलग अलग तरफ से जो कुछ, ये की होल्डर ये भी दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये बांबू की कुछ चीज़ें थी, ये कुछ सारियाँ है शायद से कर्नाटक या आंध्रा से। आप देख सकते हो कि कितनी कुशलता से ये सारी चीज़ें बनाई गई है, और सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। महाराष्ट्र से कोई है जो कि हम लोग, ये इवेंट ही महाराष्ट्र में से था, बट बाहर के स्टेट से भी बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये दिख रहा है कि जो नेशनल यूथ फेस्टिवल है, तो यूथ जो है कि वो एंटरप्रेनर की तरफ बढ़ रहे हैं मोस्ट ऑफ। अभी ये भैया थे, इन्होंने हाई किया ब्लॉग में, थैंक यू भैया। और ये आंध्रा का स्पेशल स्वीट था, वो भैया एक्सप्लेन कर रहे थे कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट थे। ये
माइक्रम है, माइक्रम की चीज़ें हैं, अलग अलग तरह की, कुछ पर्स है, कुछ वॉल हैंगर्स है, ये यहाँ पे इयररिंग्स है जो बनाए ये दीदी ने। ये पर्सेस है जो कॉटन या फिर जूट की पर्सेस होती है, वो पर्सेस है। और वो भैया जिनका स्टॉल था वो पौंडीचेरी से आए हुए थे। मैं कुछ ज़्यादा डिटेल बता नहीं रही हूँ, ये गुजरात से या सॉरी राजस्थान से ये भैया थे, ये शायद से मुझे पता नहीं तेलुगु या फिर आंध्रा है। ये भैया उनके कुछ घर से उनको कुछ बता रहे थे, उनका भी स्टॉल था यहाँ पे। ये झारखंड का स्टॉल है, वहाँ के जो पहरावे उसका एंड कुछ जूट के बैग्स थे। ये उड़ीसा देन अलग अलग स्टॉल पे अलग अलग चीज़ें थी सारी यहाँ पे, बहुत देखने जैसा है। जो नहीं गए हैं तो प्लीज़ वो वीडियो में देखिए और उन सब लोगों को प्रमोट कीजिए जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। और ये आप ये देख सकते हो कि ये जो है ये उत्तराखंड से ये लड़कियाँ आई हुई थी और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने उनका जो पहराव है वो पहना हुआ है। और वहाँ का जो ट्रेडिशनल रहता है पूजा का या फिर पोस्टर जो कि भी, ये दीदी ने ये अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। तो आप वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल ही रही है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे जितना मुझे उस दिन रिकॉर्ड करते समय मैंने जो से पूछ के जो नॉलेज लिया था उसमें। ये रहता है कि इसको ऑस्पिशियस मानते हैं, माता लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं और दूसरा हम इसको होम डेकोर के लिए यूज़ करते हैं। इधर हमारी है एक जनेऊ चौकी, लड़कों का जनेऊ संस्कार होता है तो उसमें हम लोग ये चौकी सब बनाते हैं। इसमें रहते हैं अष्टदल कमल। अष्टदल कमल का ये रहता है यूज़ कि हम लोग किसी भी आसन में बैठे तो हमें आसन चाहिए तो हम इन्हें भी आसन प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें 8 भी कमल होते हैं और शून्य से शुरू होकर शून्य पे खत्म होते हैं, डॉट शुरू है, डॉट भी खत्म होता है। और ये रहता है कि आपको जैसे इसमें रहते हैं 15 और 8 डॉट्स रहते हैं ऊपर की तरफ में और इसमें 7 स्टार्स, आपने सुना होगा सप्त ऋषियों के बारे में, ये उनका प्रतीक है, उनका प्रतीक माना जाता है। उनका जो पहराव है इसको वो लोग क्या बोलते हैं वो यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रही है। ये कुछ साड़ियाँ है, तेलंगाना से स्टॉल था, ये साड़ियाँ एंड ड्रेसेस हैं। बहुत अच्छी तरीके से सारे स्टॉल्स पे सब लोगों ने बहुत एफर्ट्स लेके ये स्टॉल्स लगाए हुए थे। अलग अलग तरीके से उनका जो एक्सपर्टीज़ है यहाँ पे दिखाया गया था। ये देखिए जो 22 जनवरी को आने वाला है उसका मिनी राम मंदिर यहाँ पे उन्होंने दिखाया था, तो वो भी आप देख सकते हो। सब लोग बोलिए जय श्री राम।
आणि ही कोल्हापूरची आन बान छान कोल्हापुरी चप्पल। सोलापुरी चादर्स देन पंजाब से ये एक स्टॉल था, ये एक स्टॉल था जहाँ पे अलग अलग तरीके पेंटिंग्स दिखाए थे। दिस इज़ अ वारली पेंटिंग सो देयर। मतलब आप बोल सकते हो ना कि जिनके अंदर कुछ हिडन टैलेंट है और उनको यहाँ पे जैसे प्लेटफॉर्म मिला था रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये हर साल होता है बट इस साल महाराष्ट्र में और वो नासिक में था तो हम लोगों को और दिस इज़ द ब्रिलियंट एंड फैंटास्टिक छपाक टीम। और ये प्रमोद साहू सर है जो कि जिनके ये स्टूडेंट है, ये लाइव स्केचेस भी बनाते हैं देन फोटोज़ अगर आपको इनको शेयर करते हो तो वो भी बनाते हैं। ये झारखंड से उनका जो पहराव है ये वो स्टॉल था। और ये देखिए छोटी सी बच्ची थी, उसने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि पेंसिल जो है उसके लास्ट में हम लोग इरेजर लगाते थे पहले, तो यहाँ पे भी सीड्स है तो अगर पेंसिल ख़त्म हो जाती है तो वो सीड्स हम लोग बो सकते हैं देन वी ग्रो अ प्लांट। मतलब अगर हम लोग कुछ खो रहे हैं तो उसके बदले हम लोगों को अलग कुछ मिल रहा है। बहुत ही सुंदर कंसेप्ट था ये। दिस इज़ अ हैंडमेड वॉल हैंगर्स एंड शो पीसेस, सम पॉजिटिव वाइब्स वी गेट हियर। और ये कुछ शो पीसेस एंड वॉल हैंगर्स है, ये कुछ फोटोज और पेंटिंग्स पेंट्स सब कुछ है यहाँ पर। ये मिट्टी की कुछ चीज़ें हैं और कुछ मेटल के शो पीसेस है, यहाँ पे फ्रेम्स है जो कि घर में डेकोर के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये राजस्थान से थे भैया जिन्होंने स्टॉल लगाया था, कुछ चादर्स और कुछ गालीचा हम लोग जो बोलते हैं उसका। और ये हम लोग देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से बनाने के इन लोगों ने ट्राई किया था। और ये पंजाबी सूट्स, और ये देखिए बाम्बू का जो है अच्छी तरीके से रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया गया है। वाव, ये गुजरात से थे भैया, इनका स्टॉल था यहाँ पे कुछ डेकोरेटिव चीज़ों का। हिमाचल प्रदेश से थे, इनका जो पहराव है वो उनका स्टॉल था इनका। बहुत कुछ देखने जैसा था, मतलब आपको टाइम कम पड़ जाएगा सब कुछ देखते देखते, विच इज़ वेरी ब्रिलियंट। और ये आसाम का कुछ उनका सॉन्ग था, ये लोग ये जो आसाम का ग्रुप था उन्होंने अच्छी तरीके से ये रिप्रेजेंट किया। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, समझ नहीं आ रहा था बट सुनने में बहुत अच्छा था। और ये यहाँ पे गेम्स का पोर्शन था, और ये फूड स्टॉल है यहाँ पे, अलग अलग स्टेट से जो लोग आए थे उन लोगों ने यहाँ पे फूड स्टॉल लगाए थे, सो दिस इज़ ऑल्सो गुड थिंग। और ये है कि
अलग अलग स्टेट्स के, जैसे महाराष्ट्र का मलखांब है, और अलग अलग स्टेट्स के जो स्पोर्ट्स इवेंट जैसे ही रहता ही है। तो ये जो प्लेस थी वो उस के लिए थी। दिस इज़ वेरी ग्रेट। हम लोगों ने पंजाब से जो लोग आए थे उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, वो आपको आगे देखने मिलेगा ये हॉल में। सो वो भी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। ये आसाम से कुछ लोग थे, उनका पहराव था जो कि मैंने देखा। ये निशित प्रामाणिक जी है, राज्य मंत्री है, जिन्होंने ब्लॉग में हाय बोला है। ये कुछ लड़कियां थी, उन्होंने भी हाय बोला है। थैंक यू टीम। और ये मेरा फेवरेट सेक्शन, जो मेरे सेक्शन से रिलेटेड है कुछ कुछ, कि क्रिएटिव कुछ जो है हम लोग टेक्नोलॉजी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं एज अ ग्रोइंग फेस। सो ये यहाँ पे स्टार्ट हो जाए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब यहाँ पे स्टॉल थे अलग अलग तरीके के। सो आप देख सकते हो कि ये स्टार्टिंग है, और यहाँ पे कृषि के रिगार्डिंग ये एक स्टॉल था कि वो कैसे इनिशियल लेवल में ये सारे पोस्टर्स मैंने कैप्चर किए। अगर इसमें से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है या कुछ स्कीम है गवर्नमेंट की तो वो भी आपको मिल सकती है। ये यहाँ पे शेड्यूल है पूरे नेशनल यूथ फेस्टिवल का, जो एक पोस्टर था वहाँ पे था, तो मैंने यहाँ वीडियो में लेना ज़रूर समझा। और आप आगे आ सकते हो। ये मूर्तियाँ हैं जो ट्रेडिशनल तरीके से विदाउट प्लास्टर ऑफ पैरिस उन्होंने बनाई थी। तो ये बुक स्टॉल था वहाँ पे, वहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके की बुक्स थी सेक्शन की। तो ये भी आप देख सकते हो, मतलब आपको कहीं भी जाएंगे, डिजिटल इंडिया भी हो रहा है बट स्टिल बुक आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। ये जो मैंने मीडिया आपको दिखाई उनका ही स्टॉल है, जो लाइट वेट है, मतलब इतनी बड़ी मूर्ति है बट वो वेट में कुछ ज़्यादा नहीं है, देख सकते हो आप। मैंने नेम प्लेट्स कवर की है, अगर आपके कुछ रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन अगर आपको मिलती है तो आप ये हर एक स्टॉल के नेम से आप उनको कनेक्ट कर सकते हो। सो आप देख सकते हो वो डिटेल्स। ये कुछ हेल्दी फूड था, उसका स्टॉल था। और देन ये आईटीआई गवर्नमेंट एसडीएफ जिसने प्रोजेक्ट बनाया था, अगर इलेक्ट्रिसिटी पोल है और उसमें अगर करंट
बारिश के सीज़न में या फिर कुछ रीज़न की वजह से वो उसमें कुछ करा है और वो किसी को शॉक लग सकता है। तो ये एक प्रोजेक्ट है कि हम लोगों को वो डिटेक्ट करके दे सकता है और वो साइन हम लोगों को सुनाई दे सकता है कि वो पोल में करंट है। और ये लड़के ने बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी करके प्रोजेक्ट बनाया तो भी बहुत अच्छे तरीके से था कि क्या टेक्नोलॉजी है और किस तरीके से वो मॉड्यूल वर्क करते हैं। बट ऑब्वियस हा मुलगा नाशिकचा असल्यामुळे नाशिककरांसाठी खूप प्राऊड आहे की पोरं पुढे जातात। मतलब मैंने ये बोला मराठी में कि हमारे सिटी के लिए ये प्राउड है कि लड़के ग्रो कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये था कि ये फोम शीट से बनाया गया था, ये फोम शीट से वॉचेस भी बनाए गए थे। और ये भी स्टूडेंट है गवर्नमेंट आईटीआई नासिक का, प्राउड तो है भाई कि स्टूडेंट्स जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कुछ नया नया बना रहे हैं और उनको पता चल रहा है एज अ टेक्नो कमर्शियल कॉस्ट कि जीने के लिए और आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी एंड कॉस्ट का ये करना है। और ये स्टॉल था, ये भी गवर्नमेंट आईटीआई का था, इंटीरियर डिज़ाइन का जो कोर्स होता है उनका। ये गणपति बप्पा की मूर्ति का स्टॉल था। आप देख सकते हो ड्रेस डिज़ाइनिंग ये लड़कियों ने की है, यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स भी हैं जो कि बनाए थे। दिस इज़ द गर्ल ऑफ गवर्नमेंट आईडिया फ्रॉम स्किल डिपार्टमेंट। यहाँ पे कुछ इम्ब्रो वीगिल करके ये शॉप भी है, कुछ कहाँ से स्टेट से आए थे ये लोग भी। गो डू गुड ये भी एक स्टॉल था यहाँ पे, संकल्प इंटरप्राइजेस का ये एक स्टॉल था फूड का। ये है अर्थिंग स्टोर, ये आंटी बहुत क्यूट थी। इनका जो स्टॉल था ये ज़ीरो वेस्ट इनका कंसेप्ट है, सो उन्होंने वो बनाया था। सो इनका इंस्टाग्राम पे पेज है, उसको फॉलो कीजिए। आगे उन्होंने वो बोला भी हुआ है कि हमारा पेज फॉलो कीजिए करके। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमारा पेज फॉलो कीजिए एंड देन वहाँ से परचेज भी कीजिए, आप ऑनलाइन भी परचेज ऑर्डर प्लेस कर सकते हो उनसे कनेक्ट करके। ये पूना का बेसिकली, पूना से वो लोग यहाँ पे आए थे, पूना इज़ इन महाराष्ट्र ओनली। और ये एक फिटनेस के रिगार्डिंग ऐप था और इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से फिटनेस का जो हम लोग जिम या फिर जुम्बा या फिर जो भी डेली एक्टिविटी पेड करके दे करते हैं और जिनको टाइम का शॉर्ट है, आप वर्किंग हो या फिर कोई बिजनेसमैन है, वॉट एवर रीज़न वी आर नॉट एबल टू जॉइन जिम और एनी अदर हेल्थ क्लब, सो आप घर पे ही कर सकते हो ये ऐप के थ्रू। तो वो कैसे मॉनिटर करना है, उसका यूज़ कैसे करना है, वो यहाँ पे उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है।
दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार कि टेक्नोलॉजी का यूज़ कर कर करके हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं. और ये सारा जब मैंने यूथ फेस्टिवल में देखा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि ये हम लोग रियलिटी में ग्रो कर रहे हैं. सो एज अ भारत मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है. एज अ भारतीय मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं भारतीय नागरिक हूँ और इंडिया में ये सब कुछ हो रहा है. 31 जनवरी पर और फॉर दिस मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. और ये जिन्होंने वो एक्सप्लेन किया ऐप के रिगार्डिंग, ये स्टॉल था पूरा उनका, ये शायद 4 या 5 लोगों की टीम थी स्टॉल पे. सारा कुछ जो विजिटर थे ये कुछ इंडक्शन जैसा कुछ था. और दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि ये स्टूडेंट थे कुछ 7th-8th स्टैंडर्ड के और इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से कुछ 2 इक्विपमेंट बनाए. एक रोबोट ट्रैप करके है और एक फिश है. रोबोट ट्रैप जो है वो सी में से जो कुछ भी वेस्ट है हम लोग जो फेंक देते हैं, मतलब प्लास्टिक या फिर पॉलीथीन जो कुछ सी में जाता है, तो उसका कैसे हम लोग सी से वो निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रोबोट ट्रैप, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. तो ये 4 स्टूडेंट है, 2 थे सिर्फ बॉयज स्कूल के और 2 स्टूडेंट है हॉरिजन स्कूल के. और इनका जो कुछ भी मतलब स्टडी था तो वो बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने ये मॉडल डिज़ाइन किया है, प्रेजेंटेशन बनाया है. दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव दे हैड डन. और मुझे इनके पेरेंट्स को भी अप्रिशिएट करना है कि आप लोगों ने आपके बच्चों का इंटरेस्ट देख के उनको मोटिवेट किया कि आप लोग ये करो, मतलब आगे जो उनको सीखना है जो उनका इंटरेस्ट है तो उनको मोटिवेट किया. दिस इज़ ऑल्सो गुड फॉर देम, इसकी वजह से ही वो ये कर सके. और ये उनके विजिटिंग कार्ड्स और पैम्पलेट है जो ये स्टूडेंट्स और ये जो कुछ लड़के थे इन्होंने हम लोगों को हैंड ओवर किए. ये प्रेजेंटेशन का टेम्पलेट था और यही लड़का है जिसको जिसने AI में इसको इंटरेस्ट है और इसने सारा वो PPT और रोबोट ट्रैप का कंसेप्ट आप उनके फ्रेंड से. ये स्मार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्टॉल था शताब्दी का. देन दिस इज द सम डेकोरेटिव पार्ट्स, सम डेकोरेटिव आर्टिफिशियल मेटल थिंग्स ओवर देयर. अरे राहू द्यायचे कोणत्या कामात येता वेळेला.
ये MTDC का स्टॉल था कि महाराष्ट्र टूरिज्म की तरफ से इनका एक कंसेप्ट है आई करके। तो उस कंसेप्ट में इन्होंने क्या किया है कि लेडीज़ को इन्होंने रोज़गार अवेलेबल करके दिया है। ये पोस्टर है आई जो महिला उद्योग के रिगार्डिंग, ये श्री यंत्र मशीनरीज जो है इनका स्टॉल था यहाँ पे, जो जो लोग बिजनेस करने के लिए ट्राई कर रहे तो उनके लिए अच्छा था। ये कुछ टेस्टिंग किट्स है जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये पूना का सॉरी मुंबई से ये एक नियो डॉक करके कंपनी था, उनका एक स्टॉल था। ये सह्याद्री फार्म्स का स्टॉल था और ये हर कोई जानता है। मैंने स्टार्ट में ही बोला कि प्लांट्स देख के फ्रेश लगता है जो कि लास्ट में था। और ये लास्ट स्टॉल जहाँ पे कुछ ट्राईपॉड एंड देन कुछ टेक्नोलॉजीज का था। और ये मेरे मैंने जो बोला था कि कुछ पंजाब से ये टीम था, उन्होंने यहाँ पे उनका जो ट्रेडिशन है तलवारबाजी या फिर मुझे पता नहीं एग्जैक्टली इसको क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये निशित प्रामाणिक जी थे राज्य मंत्री जो है, वो शो देखने के लिए वहाँ पे प्रेजेंट थे, उनके साथ उनका टीम भी था। तो ये कुछ वीडियो है उस टाइम का जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। और ये सारा ऑडियंस था यहाँ पे सारी साइड से। और आप देख सकते हो यार, हर स्टेट का अलग अलग पहनावा, अलग अलग ट्रेडिशन है, और अच्छी तरीके से सारे लोगों ने वो रिप्रेजेंट किया है। और ये जो था ये सारे यूथ है, ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सपर्टीज है या फिर नहीं है एक्सपर्टीज, बट उन्होंने उनका स्टेट रिप्रेजेंट कर बहुत अच्छी तरीके से किया है। मतलब स्टेट नहीं बोलूँगी मैं, ये लोग डायरेक्टली इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं कि हम लोग इंडिया का ट्रेडिशन हम सारे जो यूथ है वो नहीं भूलेंगे कभी। ये इवेंट से मुझे मतलब ऐसा रियलाइज़ हुआ। और ये देखिए भाई साहब, ये तलवारबाजी है या पर फिर क्या है पता नहीं, बट दिस इज एक्सीलेंट स्किल। और एक के बाद ये टीम कोऑर्डिनेशन के साथ जो कर रहा था वो बहुत ही देखने लायक था। देखिए एक ही बंदा सारे लोगों को अपोज कर रहा है तलवारबाजी में या फिर कुछ भी, जो कुछ भी इसको बोलते होंगे। और ये निशित प्रामाणिक जी इवेंट होने के बाद जो जा रहे थे यहाँ से, वो वीडियो मैंने कैप्चर किया है।
और ये देखिए पर्यावरण का तो हम सब लोगों को पता ही है, वहाँ पे भी वो अंकल थे, वो सबको समझाने के लिए ये ट्राई कर रहे थे। और ये एग्जिट करते हुए हम लोग और कुछ इन्फॉर्मेशन लेके मैं आऊँगी आपके पास नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार देने के लिए थैंक यू।